करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने कुछ डिवाइसेस जो हैं वो डिजाइन किए जिनको आप एयरलॉक सिस्टम कहते हैं। तो एयरलॉक सिस्टम बेसिकली आपके पास एक आर्किटेक्चरल डिवाइस है जो कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग और क्वालिटी ऑफ एयर को जो है कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे एयरलॉक की डेफिनेशन ये है कि इट इज द ट्रांजिशनल स्पेस दैट कंसिस्ट ऑफ टू डोर्स अरेंज्ड इन सीरीज टू सेपरेट अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सच एज क्लीन रूम, लैब्स, ऑपरेटिंग रूम्स फ्रॉम अ कॉरिडोर और वाइस वर्सा। जैनब, आप एयर ना स्क्रीन रोटेट कर लें, या प्ले कर लें या रोटेट कर लें। वो ऐसा है, हमारा कल मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे नहीं पता, मेरे ना फोन में ऑप्शन नहीं आ रहा था चलें ठीक इसलिए है, मुझे चलें ऐसे ऐसे ही ही। करें, ऐसे ही करें। ओके, एयरलॉक्स आर कॉल्ड एज पर्सोनल एयरलॉक जब आप इसको पर्सोनल के लिए यूज करेंगे, एंड मटेरियल एयरलॉक व्हेन इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फोर टाइप्स ऑफ एयरलॉक्स: कैस्केड एयरलॉक, बबल एयरलॉक, सिंक एयरलॉक एंड पोर्टेंट कंपाउंड एयरलॉक। और ये डिफर करती है एयर फ्लो के डायरेक्शन में एंड प्रेशर डिफरेंसेस में। सबसे पहले आपके पास कैस्केड एयरलॉक है जो सबसे कॉमन टाइप है। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक साइड पे हमारे पास कॉरिडोर है, सेंटर में फिर एयरलॉक है और फिर थर्ड पे क्यूबिकल या आपका क्लीन रूम है वो है। तो इस कैस्केड एयरलॉक में ये होता है कि जो कॉरिडोर है उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है देन एयरलॉक में, और फिर सबसे कम आपका जो है क्लीन रूम में होगा। तो जो पॉजिटिव प्रेशर जो है एग्जर्ट होगा कॉरिडोर से वो फ्लो करेगा हायर प्रेशर से एयरलॉक की, मतलब कॉरिडोर से जो है हायर प्रेशर वो फ्लो करेगा टुवर्ड्स एयरलॉक और फिर एयरलॉक से क्यूबिकल की तरफ मूव करेगा। तो दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डस्ट एंड कंटेमिनेशन फ्रॉम आउटसाइड टू एयरलॉक एंड फ्रॉम एयरलॉक टू इनर साइड दैट इज क्लीन रूम। और यूज आप इसको करते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, और इसकी एप्लीकेशन ये है कि जब आप ये उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज किया जाता है जिसमें प्रोडक्ट को तो आपने कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करना है, लेकिन पर्सोनल जो आउटसाइड द क्लीन रूम है उनको जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास जो है बबल एयरलॉक है। बबल एयरलॉक में आपके पास एयरलॉक में जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, कॉरिडोर और क्यूबिकल में प्रेशर जो है कम होता है। तो एयरलॉक जो है वो पॉजिटिव प्रेशर एग्जर्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू कॉरिडोर एंड क्यूबिकल, और इस तरह से जो है ये जो डस्ट पार्टिकल्स या जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं उसको पुश बैक करते हैं उन्हीं के रिस्पेक्टिव एरियाज में। इसको आप यूज करते हैं जब आपने इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस बनानी है इन स्टेराइल एरिया। और इसकी एप्लीकेशन में ये है कि जिसमें आपको प्रोडक्ट को भी प्रोटेक्ट करना है कॉन्टेमिनेशन से और पर्सोनल को भी प्रोटेक्ट करना, उसमें इसको यूज करते हैं। थर्ड सिंक एयरलॉक है। इसमें आपके पास एयरलॉक में जो है प्रेशर होता है और कॉरिडोर और क्लीन एरिया में ज्यादा प्रेशर होता है। तो जो एयरलॉक है वो क्या करता है कि क्यूबिकल और कॉरिडोर को जो कॉन्टेमिनेंट्स और डस्ट है उनको पुल करता है, और इसको आप यूज करते हैं जब आपने साइट रेडियोएक्टिव या हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक पॉइजन इनके साथ डील करना होता है। और फिर आपके पास है पोर्टेंट कंपाउंड एयरलॉक। ये जो हमने ऊपर दो पढ़े हैं बबल एयरलॉक और सिंक एयरलॉक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें ये है कि जो ये एयरलॉक है ये परमिट करता है कि जो आपके पास जो पर्सोनल है वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मतलब जो किसी भी डेंजरस और हार्मफुल मटेरियल के साथ वो इन कॉन्टेक्ट ना आए, और उसी सेम टाइम पे जो प्रोडक्ट है और जिसको आप पोर्टेंट कंपाउंड कहते हैं उसको भी आप कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करें। और फिर जो आपके पास जो ये गाउन रूम के अंदर जितनी ही एयर होगी वो भी डिसिपेट हो जाएगी, और जो आपके प्रोडक्ट रूम में होगी वो भी जनाब, आपकी डिसिपेट आवाज या कट रही एग्जॉस्ट है। हो जाएगी। सर मेरा कंप्लीट हो गया। हेलो हेलो, जी, आपका कंप्लीट हो गया, तो आप ना अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दें ताकि नेक्स्ट ओके, प्रेजेंटर जो है ना वो। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज फराह फजर एंड माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज लैमिनार फ्लो हुड। एन इंक्लोजर इन एयर फ्लो इज डायरेक्टेड सो एज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टेराइल। लैमिनार फ्लो हुड एक ऐसा चीज है जो हमें प्रोवाइड करता है वर्किंग एरिया के लिए, एक ऐसी एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। द लैमिनार फ्लो हुड वॉज फर्स्ट डिवेलप्ड इन द अर्ली 1960s। जी, आवाज का इशू बाकी को भी आ रहा है, इधर मुझे आ रहा है। आवाज आ रही है, ठीक How आ do रही है, कदरे कम है लेकिन। you
made up of stainless steel with no gaps or joints. They build up bacteria from collecting everywhere in the working zone. लैमिनार फ्लोर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें किसी किस्म के गैप्स या जॉइंट्स ना हो ताकि कोई भी कंटेंशन जो है वर्किंग एरिया में इंटरप्ट ना करे या अचीव ना हो सके. लैमिनार फ्लोर कंसिस्ट ऑफ फिल्टर फिल्टर्स. फिल्टर फैन जो है वो एयर को सक करता है थ्रू फिल्टर पैड, और फिल्टर पैड जो है वो प्री फिल्टर के तौर पर काम करता है. जो प्री फिल्टर्ड एयर होती है देन वो पास होती है हेपा फिल्टर से, और इस तरह जो है एयर की फिल्ट्रेशन होती है. Working. Laminar flow cabinets work by the use of inflow laminar air drawn through one or more HEPA filters designed to create a particle-free working environment and provide product protection. Laminar flow hood जो है वो product protection working area के लिए provide करता है but not for personal. और इसमें जो HEPA filters है उसको हम use करते हैं for filtration. Air is taken through a filtration system and then exhausted across the work surface as part of the laminar flows process. Commonly, the filtration system comprises of a pre-filter and a HEPA filter. The laminar flow cabinet is enclosed on the sides and constant positive air pressure is maintained to prevent the intrusion of contaminated room air. Laminar flow cabinet को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसमें कोई contamination ना हो और positive air pressure को maintain किया जाता है ताकि room air जो है वो contaminate ना करे sterile area को. Types of laminar flow. Laminar flow की 4 types हैं. Vertical laminar flow, horizontal laminar flow, laminar flow benches and floors. Horizontal laminar flow. Horizontal laminar flow cabinets has their name due to the direction of air flows which comes from above, but then changes direction and is processed across the work in a horizontal direction. The constant flow of filtered air provides material and product protection. जैसा कि नाम से जो है इंडिकेट कर रहे हैं तो है वो हॉरिजॉन्टल वर्किंग एरिया. एयर फिल्टर हो रही है तब वो अबव डाउनवर्ड मूव कर रही है, लेकिन जब वो वर्किंग एरिया पे पहुंचती है तब वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है हॉरिजॉन्टलाइजेशन में. इसके बाद वर्टिकल लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स फंक्शन इक्वली वेल एज हॉरिजॉन्टल लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स विद द लैमिनार एयर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउन लीव द वर्किंग एरिया. वर्टिकल फ्लो कैबिनेट्स कैन प्रोवाइड ग्रेटर ऑपरेटर प्रोटेक्शन. वर्टिकल फ्लो में जो है एयर फ्लो होगा फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और जो डाउनवर्ड बेस है उसमें होल्स होंगे ताकि एयर वहां से लीवर्स के वर्किंग एरिया से. Uses variety of applications, especially where an in air environment is required for smaller items, example particle sensitive electronic devices. In the lab, laminar flow cabinets are commonly used for specialized work. Laminar flow cabinets can be tailor made to the specific requirements of the lab and are also ideal for general lab work, especially in the medical, pharmaceutical, electronic and industrial sector. Laminar flow ko hum use karte hain labs mein, pharmaceutical industries mein, jahan bhi hame jo working area jo hai sterile working area required ho, ye jo hai hame provide karta hai working area ko for at small station at small working area, aur isko hum jo hai filtered air filter karne ke liye use. जी थैंक यू बेटा. नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी स्क्रीन शेयर होगी आपकी. ओके थैंक यू. सो द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इस पे डबल क्लिक करें फिर अभी ऑप्शन आ गया लेकिन स्क्रीन बिल्कुल Sterilization is a process of removal of all life forms of including vegetative endospores that are non-vegetative forms. Basically, sterilization a lot of other methods for purification of pharmaceutical products or for cleaning or disinfection of surgery. Pasteurization and disinfection do prefer sterilization because
sterilization is the only process that ensures removal of all heat resistant endospores. Endospores are the non-vegetative forms of fungus, and they can be only removed by the process of sterilization, pasteurization, disinfection, and the various other are able to remove the non-vegetative forms. So that's why sterilization is used for the disinfection of surgical instruments, for preparation for the laboratories, the glassware as well. These are the various equipment that are used for the purpose of sterilization. CIP system, SIP systems are used in the pharmaceutical industries in aseptic area. These are basically meant to be utilized for the sterilization of equipments that are used in the preparation of sterilization. These instruments use tabletop autoclave, and this is the most common equipment. And this equipment also used in the clinics and in the hospitals for the purpose of surgical instruments as well. Okay, so in we have various other media we do use for the purpose of sterilization, like filters are also employed for the sterilization and reagents as well. Later, see how the filters can be employed and how the reagents can be employed to achieve this sterilization. These are the various methods of sterilization. Actually, are one and the same thing, because we categorize the sterilizer into different types on the to achieve this sterilization. Majorly, sterilization is categorized into physical, into three types, and also categorized into two, and also further categorized to their different stages. It's more for physical. Physical methods are further divided into three subtypes. Like this is depiction of thermal, and this is depiction of radiation, and this sort of filtration. Physical methods, sabse pehle thermal method. Thermal method mein hamare paas do further ek dry heat sterilization hai. Sterilization hai. Dry heat sterilization, dry heat and moist state mein, obviously we use highly pressurized steam sterilizing agent. These are the different ways, like red hot incineration, just we have bilkul burn kar dete hain, and it finally crushes, or autoclaving. The difference between the two is of the temperature and the pressure. The heat mein and the moist heat mein, we do employ the lowest temperature. Next physical method mein hamare paas radiation methods aate hain. Radiation methods mein we use ionizing radiation and radiation. As we have the gamma rays and the X-rays, they are highly penetrating. Their main target is the microbial DNA. They inactivate or disparate various microbial proteins as well. Non-ionizing radiations, we do have the particulate radiations. Particulates may accelerate electrons. Indirectly, इस तरह से प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं तो माइक्रोब्स रिटेन्ड ऑन द माइक्रो स्क्रीन यूजिंग, और उस पर रिटेन करने से होता यह है कि दे आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, सो दे इवेंचुअली वी डू यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रिपरेशन दैट वी वांट टू स्टेरिलाइज. नाउ देयर आर केमिकल मेथड्स भी हमारे पास, गैसियस और एक लिक्विड प्रेजेंटिंग गैसियस. Gaseous sterilization, mein we have the different gases that we can employ, and on top of this, to categorize the gaseous sterilization types. For example, ethylene oxide sterilization, formaldehyde. Similarly, we use phenol and various other aldehydes as well. So this is depiction of ethylene oxide sterilizer. The next categorization of chemical method, the first one is and next one is liquid. Liquid may we do use the liquids, for example, aldehydes, alcohol, or liquid categorization is also divided into hydrogen peroxide sterilization and alcoholic sterilization.
These are my references, and thank you very much. जी आज की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई. प्रेजेंटेशंस और देयर वर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो के आप लोगों के लिए नई होगी बिल्कुल. काइंडली इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन रही और इन काइंडली जैसे पहले आप कर रहे हैं और मैं फिर इसको अकॉर्डिंगली फिर शेयर कर दूंगा विद ऑन दिस टीडीएस. ठीक है जी. क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्रेजेंट भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, कुछ करना चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एनीबॉडी कोई क्वेश्चन है?